नमस्कार दर्शकों, जय हिंद ज्ञान मुद्रा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आज से हर वीक मैं एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में आपको बताऊंगी और इन्होंने उनकी खोजों के बारे में बताऊंगी, जो आपके लिए आपके करियर में एक मील का पत्थर साबित होगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। चलिए लिए चलती हूँ। आज मैं पेंसिलिन, जो एक महत्वपूर्ण औषधि थी, एक ये समझ लीजिए कि एक क्रांति थी मेडिकल के फील्ड में, पेंसिलिन की खोज होना। पेंसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की। इनका जन्म 6 अगस्त 1881 को हुआ। कहाँ हुआ? और मृत्यु जो है 11 मार्च 1955 को हुई। और ये क्या थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है जीव वैज्ञानिक, स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक और औषधि निर्माता थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे और औषधि निर्माता थे, यानी मेडिकल में इनकी बहुत रुचि थी। इन्होंने 1921 में लिसोजाइम एंजाइम की खोज की और 1945 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जहाँ पर समाप्त हो जाता है 1945 में, इनको पेंसिलिन की खोज के लिए संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबल मिला, यानी मेडिकल में नोबल प्राइज मिला। अब किसने इनकी खोज की पुष्टि की? जिनको ये असिस्ट कर रहे थे द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के समय, अलमंथस राइट ने इस खोज की पुष्टि की। अब ये पेंसिलिन की खोज कैसे हुई, ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा। अब मैं लिए चलती हूँ आपको पेंसिलिन की खोज कैसे हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लेमिंग बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलमंथस राइट को असिस्ट कर रहे थे, वही अलमंथस राइट जिन्होंने इनकी खोज की पुष्टि की। किस समय? प्रथम विश्व युद्ध के समय इनके अंडर, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अंडर जो है अलमंथस राइट जो है रिसर्च कर रहे थे, फ्लेमिंग इनको असिस्ट कर रहे थे। और इन्होंने पाया कि एंटीसेप्टिक जख्म के बाहरी हिस्से के लिए तो कारगर होते हैं। उन्होंने क्या पाया? एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, एंटीसेप्टिक्स जख्म के बाहरी हिस्से के लिए तो कारगर होते हैं, जैसे ये हमारा वॉन्ड है, ये इसके अंदर की लेयर्स जो हैं इसके लिए एंटीसेप्टिक कारगर नहीं होते हैं, ये सिर्फ किसको हील करते हैं, ये बाहरी हिस्से को हील करते हैं, लेकिन शरीर के भीतरी हिस्सों के लिए इसका साइड इफ़ेक्ट, ये शरीर के जो लेयर्स अंदर की लेयर्स होती हैं, कोई भी अगर जख्म होता है तो उसके सबसे बाहरी भाग, बाहरी चोट जिसको कहते हैं, अंदर के हिस्सों में चोट लगती है तो उसको आंतरिक चोट कहते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी की खोज की कि पाया कि एंटीसेप्टिक्स जख्म के बाहरी हिस्से के लिए तो कारगर हैं लेकिन भीतरी हिस्सों के लिए हानिकारक हैं, यानी इनका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये, अब क्यों ये भीतरी हिस्सों के लिए हानिकारक हैं, देखिए मैं बताती हूँ। क्योंकि यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देते हैं। कौन समाप्त करते हैं? एंटीसेप्टिक्स। जो भी हम एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं हम, यानी जो भी घाव को भरने के लिए यूज करते हैं, ये शरीर के बाहरी हिस्सों को तो हील करते हैं लेकिन आंतरिक हिस्सों के लिए हानिकारक होते हैं। आंतरिक हिस्सों में ये क्या कर देते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स डाल देते हैं। और हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इनको आंतरिक हिस्सों को हील करने का जो इम्यून सिस्टम है उसको ख़त्म कर देते हैं। कौन करते हैं? एंटीसेप्टिक्स प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, किस पर रिसर्च कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे फ्लेमिंग। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लेमिंग स्टेफिलोकॉकी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उस पर शोध कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया कल्चर की प्लेट पर थोड़ी सी फफूंद लगी हुई है, जैसे ये प्लेट रखी उन्होंने, इसमें बैक्टीरिया है तो इस पर थोड़ी सी फफूंद लग गई है, इधर उधर जो है थोड़ी सी फफूंद लग गई है। अब जितनी दूरी पर ये फफूंद लगी है उसमें कोई भी, उतनी दूरी तक कोई किसी भी बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं था। इन्होंने क्या किया, स्टेटो
स्टेफिलोकॉकी पर बैक्टीरिया पर शोध कर रहे थे, और बैक्टीरिया की जितनी कॉलोनीज इन्होंने यहाँ पर रखी, जितना भी कल्चर रखा, तो उसमें जो है देखा कि उसके किनारे किनारे पर फफूंद उगी हुई है, और जितने किनारे पर ये फफूंद उगी है उसके जो उसका नियर बाई जगह थी, नियर बाई स्टेट था उसका, उस पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं था, उसका नामो निशान नहीं था बैक्टीरिया का। और इस रिसर्च के बाद उन्होंने इस यह फफूंद बैक्टीरिया को पूरी यह सिद्ध किया कि ये ही फफूंद जो इनकी प्लेट के चारों तरफ उगी थी, ये फफूंद जो है स्टेफिलोकॉकी को, उस बैक्टीरिया को, स्टेफिलोकॉकी बैक्टीरिया को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम थी, पूरी तरह कारगर थी। इस प्रकार से यह खोज थी बैक्टीरिया किलर पेंसिलिन की। समझ में आ गया? देखिए बिल्कुल सिंपल है। फ्लेमिंग क्या रिसर्च कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पर। कौन थे फ्लेमिंग? जीव वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, औषधि निर्माता थे, और स्कॉटलैंड के। वो क्या कर रहे थे कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या था, नाम स्टेफिलोकॉकी नाम था बैक्टीरिया का, उस पर रिसर्च कर रहे थे। उस बैक्टीरिया की उन्होंने क्या करा, कल्चर एक प्लेट पर रखा, प्लेट पर रखा तो उसके उन्होंने रात को छोड़ दिया, और सुबह देखा कि उस पर कुछ फफूंद उगी हुई है, ये ही फफूंद जो है इस बैक्टीरिया को नष्ट कर रही थी। और इन्होंने बाद में पाया कि ये ही जो है बैक्टीरिया किलर पेंसिलिन दिया। और फ्लेमिंग ने इस फफूंद को फिर एक ही बार नहीं किया, उन्होंने इस फफूंद को दोबारा उगाया, और इस फफूंद को उगाने के बाद उन्होंने एक प्लेट पर फिर से बैक्टीरिया कलेक्ट किए, और उसके ऊपर जो है इस फफूंद का रस डाला, तो ये बैक्टीरिया सारे मर गए, और सारे जीवाणु मर गए। ये थी पेंसिलिन की इंटरेस्टिंग खोज। और इसका उपयोग जो है कहाँ किया, इसका उपयोग किया प्रथम विश्व युद्ध के समय तो इसकी खोज हो गई, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्लेमिंग ने प्रेशर डाला कि इसका उपयोग सैनिकों के उपचार में किया जाए, और साथ ही साथ इसका प्रयोग भी सिद्ध हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1941 में जो घायल हुए 6 बहुत घायल हुए सैनिक थे, तो उन पर इनका प्रयोग किया गया, सैनिकों पर, जिसके परिणाम सफल रहे। हालांकि दुर्भाग्यवश पेंसिलिन ख़त्म हो गई, पेंसिलिन की इतनी मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाई, तो इन जो 6 रोगी थे उनकी मृत्यु हो गई। अगर पेंसिलिन शायद पूरी मिलती तो ये रोगी आज भी जो है इस परीक्षण के सफल जो है प्रतिदर्शी होते। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय बच्चों, ये था मेरा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, एक मेडिकल के वर्ड में एक सफल क्रांति का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, और कैसे की, कौन सा बैक्टीरिया था, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, किस बैक्टीरिया को मारा था, किस बैक्टीरिया पर खोज कर रहे थे, ये मेरी इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक एक वीडियो आप सब लोगों को प्रोवाइड किया मैंने। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।